नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने आईफोन 15 प्लस के प्रोडक्शन को भारत में कराने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी के सप्लायर फॉक्सकॉन ने चेन्नई के प्लांट में तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कंपनी अगले तिमाही में स्थानीय स्तर पर आईफोन 15 प्लस का उत्पादन करेगा। एप्पल ने पहले ही सीरीज के कम कीमत वाले बेस मॉडल को भारत में सफलतापूर्वक उत्पादन शुरू कर दिया है। प्लानिंग से अवगत कराते हुए इंडस्ट्री के दो अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि चेन्नई के पास फॉक्सकॉन के प्लांट ने आईफोन 15 प्लस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने मंगलवार को आईफोन की नई सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी अगली तिमाही में भारत में अपनी सेल्स को दोगुना करने का भी लक्ष्य बना रही है। वहीं दूसरी ओर अक्टूबर से दिसंबर के बीच आईफोन की सेल रिकॉर्ड लेवल पर देखने को मिल सकती है। वास्तव में आईफोन की नई सीरीज पर ऑफर के साथ पूरे मॉडल आईफोन 13 और आईफोन 14 की कीमत में कटौती की जाएगी, जिससे देश में आईफोन की बिक्री में इजाफा हो सकता है। जानकारों का कहना है कि एप्पल भारत में अपनी सेल्स को दोगुना करने की प्लानिंग कर रहा है। एप्पल ने पहले ही फॉक्सकॉन प्लांट में आईफोन 15 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिससे ये पहली बार होगा कि भारत में असेंबल किया गया आईफोन लॉन्च फेज में ही बेचा जाएगा। हालांकि स्थानीय आईफोन 15 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी भी कम है और त्योहारी सीजन नजदीक है। एप्पल मांग को पूरा करने के लिए चीन में अपने प्रमुख प्रोडक्शन सेंटर से डिवाइस का इंपोर्ट करेगा। अधिकारियों में से एक का कहना है कि आईफोन 15 प्लस भारत में असेंबलिंग के लिए अगली कतार में होगा। ये अक्टूबर से दिसंबर में शुरू होगा। एप्पल पहले से ही भारत में आईफोन 14, 14 प्लस और 13 मॉडल बनाता है। एप्पल इंडिया की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।